अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज 6 सितंबर है। ये मेरे बाबा जान के सारे मेडल्स हैं, उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी। सलाम है उस बाप पर और सलाम है पाकिस्तान पर। ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर से मांगा, ये किसने हमसे लहू का खिराज फिर से मांगा। अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। 6 सितंबर योम दिफा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने मिलकर दीवाना वार दुश्मन का मुकाबला किया। सरों पर कफन बांध कर डट गए, जिस्मों से बारूद बांध कर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफाए वतन के लिए कुर्बान कर दिया और दुश्मन के नापाक अजाइम को रिस्के खाक बना दिया। जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए आए थे, वो हमेशा के लिए नाकामी का बदनुमा दाग अपने सीने पर सजा कर वापस गए। वो शायद इस बात से वाकिफ भी न थे कि जो ज़मीन शोहदा के लहू से सैराब होती है, वो बड़ी ज़रखेज़ और बड़ी शादाब होती है। उसके सपूत अपनी धरती की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने और उसकी तरफ देखने वाली हर मैली आँख को फोड़ने की सलाहियत रखते हैं। जान वार देते हैं लेकिन वतन पर आँच नहीं आने देते। इसका बेहतरीन मुजाहिरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसरो सामानी के आलम में भी जुर्रत और बहादुरी की वो मिसालें कायम की गईं कि तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, शोहदाए वतन को सलाम। ऐ मेरे परवरदिगार, वतन अजीज के तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद फरमा। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।